हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को यूट्यूबर की एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। और ये गलती कोई भी क्रिएटर कर सकता है, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर हो। और ये गलती मैं पहले कर चुका हूँ, जिसके कारण से आज भी मुझे उसके लिए पछताना पड़ता है। तो अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये वीडियो मैं स्पेशल एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए बना रहा हूँ, ताकि वो लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये बात है आज से 1.5 साल पहले की। जब मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत किया था, उस टाइम मेरे चैनल में 40 से 50 सब्सक्राइबर थे और उस टाइम मैं एंड्रॉयड टिप से दिया करता था। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, WhatsApp वर्सेस FM WhatsApp, और उस वीडियो में मैंने WhatsApp से अच्छा FM WhatsApp को बता दिया था। और FM WhatsApp एक मोड एप्लीकेशन था, जिसके कारण से मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक मिल गया। अब दोस्तों, हुआ क्या कि जब मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक मिला तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि उस टाइम मुझे स्ट्राइक के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि स्ट्राइक क्या होता है, इसे कैसे हटाना है, इन सब के बारे में मुझे पता नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और मैंने अपना वीडियो डिलीट कर दिया। मुझे लगा कि जब मैं अपना वीडियो को डिलीट कर दूंगा तो मेरा स्ट्राइक हट जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूँ कि जब आपको कोई भी स्ट्राइक मिलता है और आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हो तो आपको उससे स्ट्राइक नहीं हटता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मेरा स्ट्राइक नहीं हटा। जब यूट्यूब की ओर से हमें कोई भी स्ट्राइक मिलता है तो उसमें 3 मंथ का टाइम होता है। कोई भी स्ट्राइक 3 मंथ बाद एक्सपायर हो जाता है और वो ऑटोमेटिक से हट जाता है। तो मुझे लगा कि 3 मंथ बाद मेरा स्ट्राइक हट जाएगा, तो मैंने उन सब पे ध्यान नहीं दिया और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर 3 मंथ बाद क्या हुआ कि जब मैं अपना स्ट्राइक चेक कर रहा था तो मेरे चैनल से स्ट्राइक नहीं हटा था, मेरे चैनल में स्ट्राइक था। तो मुझे लगा कि ये कुछ दिन में हट जाएगा, तो मैंने उसे ध्यान नहीं दिया। और फिर 1 मंथ बाद मैं चेक करता हूँ तो मेरे चैनल से स्ट्राइक नहीं हटा था, मेरे चैनल में स्ट्राइक एक्टिव थे। फिर मुझे लगा कि ये कुछ टाइम बाद हट जाएगा, तो मैंने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया और मैं वीडियो बनाता रहा। फिर 2 मंथ बाद मैं चेक करता हूँ तो भी मेरे चैनल में स्ट्राइक था। यानी कि अब पूरे 6 मंथ हो चुके थे लेकिन मेरे चैनल से स्ट्राइक नहीं हटा था। तो मैंने YouTube का एक फीडबैक सेंड किया और फीडबैक सेंड करने के बाद मेरे चैनल से स्ट्राइक हट गया। लेकिन दोस्तों, उस स्ट्राइक के साथ मुझे एक वार्निंग स्ट्राइक भी मिला था और वो वार्निंग स्ट्राइक अभी तक मेरे चैनल से नहीं हटा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी आपके चैनल में स्ट्राइक मिलता है, चाहे कॉपीराइट स्ट्राइक हो चाहे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक हो, आपको अपना वीडियो डिलीट नहीं करना है। अगर आप अपना वीडियो डिलीट करते हो तो इससे आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। तो किसी भी कंडीशन में आप अपना वीडियो को डिलीट मत कीजिएगा। अगर आप अपने वीडियो को डिलीट नहीं करते हो तो आपको जो भी स्ट्राइक दिया रहेगा, आप उसे स्ट्राइक को हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और इससे साथ आपका स्ट्राइक हट भी जाए तो आपको वीडियो को डिलीट नहीं करना है, आपको उसे बात करके देखना है और उसे बोलना है कि आपका स्ट्राइक हटा ले। और दोस्तों, अगर आपके चैनल में वार्निंग स्ट्राइक रहता है और अगर वो फेक स्ट्राइक रहता है, कोई आपको जानबूझ के दे दिया होता है, तो आप उसे रिमूव करवा सकते हो। लेकिन अगर आप सच में कम्युनिटी गाइडलाइन का रूल तोड़ते हो तो आपका स्ट्राइक कभी भी नहीं हटेगा। तो आपको इन बात का ध्यान रखना है। आप YouTube में ऐसे कोई भी वीडियो मत बनाइए जिससे आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक मिल सके। कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक हट जाता है, लेकिन जो वार्निंग स्ट्राइक रहता है वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। मेरे चैनल में लाइफ टाइम के लिए वार्निंग स्ट्राइक आ चुका है और वो कभी नहीं हटने वाला है। और इसके लिए दोस्तों, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बस जिन लोगों को नहीं मिला है वो लोग इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, ताकि उनको फ्यूचर में कभी स्ट्राइक ही ना मिले। बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। आई होप जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाना चाहता था वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।